इंडियन आर्मी की मूवी, आपको जब भी ये मूवी रिलीज होती है इंडियन आर्मी की, जोश बढ़ जाता होगा आप में? बहुत ही ज्यादा जोश बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपकी तरफ से जो दाएं बाएं से जाते हुए सभी आर्मी के सोल्जर हैं, तो बहुत ही खून हमारा खोल जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्राउड फीलिंग है। कोशिश करना चाहिए आर्मी में आने के लिए। जी जी जरूर, बहुत बढ़िया। हमारे इंडियन आर्मी के लिए कैसी मूवी है? बहुत शानदार मूवी है, इसमें जोश भर देने वाली है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी मूवी आपको दिखाने के अलावा पढ़ानी भी चाहिए, जो कि पुस्तकों में आजकल की जनरेशन को ऐसा पता चले कि हमारे यहाँ पर कितने बहादुर लोग हुए हैं, इतिहास के पन्नों में कहीं दब गई है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको कहीं भी बताया ही नहीं गया। ऐसे कई ऐसे अहम बहादुर है, सगत सिंह है, ऐसे कई बंदे हैं जो आपको इतिहास के पन्नों में दबे हुए मिलेंगे, और इस इतिहास के पन्नों को उखाड़ने की जरूरत है इस देश में। बहुत अच्छी लगी सर। उसमें इंस्पिरेशन क्या हो सकती है इंडियन आर्मी के लिए? जो बातें हमने एक बार हाउ द जोश बोल दीजिए आप। हाउ द जोश, हाय सर, आपको कैसी लगी? बहुत शानदार मूवी, बच्चों को बहुत अच्छी लगी। जी जी, आपको कैसी लगी छोटे नन्हे बच्चे? अच्छी। और इसमें आपको इंडियन आर्मी के लिए जोश कायम दिखाया, किस तरह से जोश था इस बच्चों में भी जगह होगा, बच्चों से पूछो ना। वो तो जी जी, आपको कैसी लगी ये मूवी इंडियन आर्मी की? बहुत अच्छी। और आपको कैसी लगी? अच्छी। और आप? एकदम झकास झकास एकदम झकास। और इंडियन आर्मी में आप भी कहीं जाना चाहोगे अगर आप बड़े होंगे? सिंह बहादुर की तरह। सिंह बहादुर की तरह। और आप सभी को कैसी लगी? बहुत अच्छी। और इंडियन आर्मी को जब भी नाम लेते हैं तो हाउ द जोश, आपके अंदर वही माइंड में क्या आता है सबसे पहले? बहुत जोश है भाई, तगड़ा जोश है। जी, आपको ये मूवी कैसी लगी? इंस्पिरेशन, इसमें क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? हमेशा लड़े के लिए तैयार रहना चाहिए किसी भी टाइम। बहुत अच्छी मूवी है और कमाल की एक्टिंग करी है विकी कौशल ने। जी जी। जो बोलते हैं कि उसमें घुस जाना रोल में, उसमें घुस गया है पूरी तरीके से। और जनरल मानेकशॉ, व्हाट ए पर्सन, मतलब लेजेंडरी पर्सन, पूरे 10 के 10 में 10, बहुत शानदार मूवी। कैसी लगी इंडियन आर्मी का जब नाम सुनते हैं आप, कैसा जोश कायम हो जाता है? अच्छी लगी। कौन? जी जी, जब भी विकी कौशल बनाते हैं तो आपको ये जोश आता होगा, हाय सर। हाँ। तो लाइक इसमें वॉर छिड़ जाती है दो कंट्री के बीच में, अच्छी लगी। लाइक वॉर की मूवी देखते हैं तो आपके अंदर भी एक जोश आता है अंदर? हाँ, वो लाइक आप भी एक सोल्जर होते हैं। यस। और एक इंडियन आर्मी के रूप में आप कैसे किसी को ट्रीट करते हैं? आप वॉर में होते क्या करते हैं? लड़ाई करते? यस, हाँ, लड़ाई करते और जीतते भी थे। और इस मूवी में आपको ये कौन सी चीज अच्छी लगी जो विकी कौशल की, जो आप बताना चाहोगे? मुझे भी मतलब पीछे नहीं हटते थे वो सब, मुझे बहुत अच्छा लगा। 5 में से? जी जी, 10 में से मान लीजिए। 10 में से पूरे 10। गाने के ऐसे गाने थे इसमें? हाँ, इंडियन वो आर्मी के थे वो। अच्छी मूवी थी। और इंडियन आर्मी का जब भी जोश, हमारे भारतीयों में बहुत ज्यादा जोश उमड़ जाता है, ये बात सही है। लेकिन पॉलिटिकल इशू से देखें तो याया खान को शुरुआत में क्या ज्यादा अच्छा बताया गया था, एक्चुअल में वो इतना अच्छा था नहीं। शत्रु जी को भी कुछ मतलब इसमें बताया गया था भाई त्वरित फैसले लेते हैं, लेकिन ऐसा था नहीं एक्चुअल में। पॉलिटिकल हिसाब से थोड़ा सा मतलब बड़ी चिड़कियन बताया गया था। विकी कौशल कहते हैं कि जब नेहरू थे तो कहते हैं कि हम वापस, हमारे जो चाइना ने कब्जा किया हम वापस उनको लेना चाहेंगे, तो वो पंडित जी मना कर देते हैं। मैंने उस समय मतलब जो शांति अभी कायम हो रहने दीजिए। आपको लगता है कि ये जो नेहरू जी थे वो क्या चाहते थे? उस समय की परिस्थिति के हिसाब से नेहरू जी का फैसला वो सही था। जी जी, जब भी अभी भी वर्तमान समय में जब मोदी से तुलना की जाती है उनके, मतलब बहुत अंतर दिखता है। मोदी अभी अपने पास में बहुत ज्यादा है ना, अपने पास में सुविधाएं ज्यादा है, आर्मी के पास में सुविधाएं ज्यादा है, पहले की तुलना में देखें तो अब ज्यादा सुविधाएं खुद लड़ने की। उससे पहले अटल जी ने 1999 में हराया था, अटल जी भी पावर में थे, तो आप ऐसा क्यों नहीं कहते भाई मोदी ने कुछ नहीं किया था, पूरी जनता का सही हो गया। और आर्मी का पावर है, आर्मी अपना सेल्फ डिफेंस रहती है, खुद का निर्णय खुद लेती है, किसी पर्टिकुलर आदमी पे नहीं डालना करेगा। क्या मोदी ने काम अच्छा किया ये मान सकते हैं? इंदिरा ने त्वरित निर्णय लेकर के पूरी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश खड़ा कर दिया था, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। और भी आनी चाहिए जिसमें हमारे जोश कायम रहे, और जोश वैसे भी है। मूवी आनी चाहिए, लेकिन मूवी में क्या है कि सच्चाई जरूरी होनी चाहिए, जो एक्चुअल में था उसको एक्चुअलिटी दिखानी चाहिए था। ये आजकल मूवी में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है।